हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शादियों का सीज़न बस आने ही वाला है, और ऐसे में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम क्या पहने। जो ड्रेसेस हम मार्केट से लेने जाते हैं, आई थिंक कोई भी अच्छी ड्रेस जो है वो 4-5 हज़ार से कम में नहीं आती है। शायद मैं ये भी कम ही बोल रही हूँ, बट हाँ, अगर हम नॉर्मल मॉल से शॉप से लेने जाते हैं, 4-5 हज़ार से कम की कोई भी साड़ी या ड्रेस नहीं आती है। बट आज मैं आपके लिए दो ऐसी साड़ीज़ लेकर आई हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई है अमेज़ोन से। बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ीज़ मिलती हैं। तो मैं ऐसी दो साड़ीज़ लेकर आई हूँ रिव्यू के लिए आपके सामने, जो मैंने मंगाई हैं, पहनी हैं और मुझे अच्छी लगी हैं। तो मैं आप सबको भी वो दिखाना चाह रही हूँ कि मैं कौन सी साड़ीज़ लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिव्यू। ये दो साड़ीज़ हैं, इनमें से एक साड़ी जो है वो हम रात के फंक्शन में पहन सकते हैं और दूसरी मैं प्रेफर करूँगी डे टाइम में पहनने के लिए। तो आइए पहली साड़ी देखते हैं, जो कि है बॉटल ग्रीन कलर की। ये साड़ी सारिका ब्रांड की है, जो कि मुझे 950 रुपीज़ में मिली थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये साड़ी बॉटल ग्रीन कलर की है, इस पे पूरे में जाल वर्क है, गोल्डन कलर का जाल वर्क, और ये गोल्ड बहुत ही सटल गोल्ड है, बहुत ही सुंदर गोल्ड है। ये बहुत जटका वर्क नहीं लगता है, बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लगता है। इस पूरी साड़ी में वर्क हो रखा है, इसके साथ रेड कलर का कंट्रास्ट ब्लाउज पीस है, जो कि 0.80 मीटर्स का है। साड़ी 5.5 मीटर्स की है, तो जो एक हमारी टेंशन होती है कि छोटी साड़ी ना आ जाए जिसमें प्लेट्स कम होती हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर साड़ी है। मैं इसकी पिक्चर जो पहनी हुई है यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। इसका पल्लू बहुत ही सुंदर है, रेड कलर का कंट्रास्ट में आता है सेम ब्लाउज़ पीस के कलर का। इसके पल्लू में बहुत सुंदर सा ये डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। आप ये किसी भी फंक्शन में, किसी भी शादी में, पार्टी में, पूजा में, जागरण में आप ये आराम से कैरी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत ही क्लासी लुक देती है, जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो यू कैन एनी विच वेज गो फॉर दिस साड़ी, आई विल गिव इट अ बिग थम्स अप। सेकेंड साड़ी जो है, जैसे कि मैंने बताया, डे टाइम के लिए प्रेफर कर रही हूँ मैं। ये ऑफ वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। ये मुझे 1600 रुपीज़ की साड़ी पड़ी है, दिखने में बहुत ही अच्छी लगी मुझे। इसका जो पल्लू है वो कंट्रास्ट रेड है, पूरी साड़ी ऑफ वाइट बेस पे है, ऊपर गोल्डन कलर की ये बूटियाँ बनी हुई हैं पूरी साड़ी में। बहुत ही चौड़ा और सुंदर रेड बॉर्डर दिया हुआ है इस साड़ी में। ये मिमोसा ब्रांड की है, मिमोसा एक बहुत अच्छी और फेमस वेल नोन ब्रांड है साड़ीज़ के लिए, तभी मैंने उस पर रिलाई करके ये साड़ी मंगाई है। बहुत ही लाइट वेट है, इजी टू वेयर है। ब्लाउज़ पीस इसका भी 80 सेंटीमीटर्स का है और साड़ी 5.5 मीटर्स की है, तो अगर आप हेल्दियर साइड पे भी हैं तो भी दिक्कत नहीं है। सारी की सारी प्लेट्स बहुत ही नीटली बनेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और डे टाइम में पहनी हुई बहुत सुंदर लगेगी। इवन नाइट फंक्शंस में भी आप कैरी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर साड़ी पे जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो बहुत अच्छी एक शाइन आ रही है, नेचुरल शाइन, जो कि आपको बहुत अच्छा ग्लो भी दे रही है। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। तो कोई भी एज ग्रुप की लेडी, कोई भी लड़की इस साड़ी को कैरी कर सकती है बिना किसी भी हेजिटेशन के। किसी भी एज ग्रुप को ये साड़ी सूट करेगी और दिखने में भी बहुत ही रॉयल लुक आ रहा है इस साड़ी में। तो ये दोनों साड़ीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी अफोर्डेबल लगी। यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम, इट्स योर पर्सनल चॉइस। मैंने तो दोनों मंगाई हैं और दोनों ही मैं पहन चुकी हूँ, तो आप भी जा सकते हैं इन साड़ीज़ के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए ला सकूं। थैंक यू।